वेलकम टू इंडिटेक। इंडिटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अकरम। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 6 फैबुलस एप्स के बारे में बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ये वीडियो को प्लीज आप लास्ट तक देखें। ओके, तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और ये घंटे पे क्लिक कर दीजिए, इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आप सबसे पहले देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले जो है वो ऐप से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, या आपने गैलेक्सी S7 अगर आपने देखा हो, S7 एज, या पहले की जो फोन आते थे नोकिया N8 में, तो जब आपका फोन लॉक होता है तो ऊपर डिस्प्ले आता है, तो वो इस तरह से कुछ है। देखिए ये इनेबल कर देंगे ऊपर, फिर यहाँ पे क्लॉक स्टाइल आप चेंजिंग कर सकते हो अलग अलग। ये प्रो वर्जन है तो आपको प्ले स्टोर में जो मिलेगा वो फ्री वर्जन मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रो वर्जन लेना चाहते हो तो मेरे आई पे क्लिक कर दीजिए, नीचे ऊपर जो आई का बटन है तो उस पर आपको लिंक मिल जाएगा कि फ्री में कैसे इसको लेना है। ओके, यहाँ पे आप अलग अलग फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, डेट स्टाइल चेंजिंग कर सकते हो, बैटरी मोड दिखाना है या हिडन रखना है उसको चेंजिंग कर सकते हो। देखिए यहाँ पे डबल टैप एक्शन, यहाँ एक्शन दिया गया है, जैसे टर्न ऑन ऑन स्क्रीन पे मैंने कर दिया, तो जब लॉक होगा डबल क्लिक करूंगा तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा। ओके, यहाँ स्वाइप अप एक्शन, मतलब ऊपर से अगर डाउन करना है, नीचे से राइट से अगर स्वाइप करोगे आप स्क्रीन में तो अलग अलग एक्शन होगा। ओके, यहाँ पे सेव बैटरी का ऑप्शन दिया गया है, ऑटो लाइट मोड। ओके, फिर इस पर ऑन कर देंगे, देखिए इस तरह से कुछ टाइम आपको बताएगा। और आप सेटिंग, सिक्योरिटी के सेटिंग में डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में ऑलवेज ऑन एमुलेट पे टिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा ये बंद नहीं होगा, ऐप काम करेगा। और दूसरा नंबर जो है वॉलपेपर चेंजर, इस ऐप के जरिए आप ऑटोमेटिकली वॉलपेपर चेंजिंग होगा। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, यहाँ पे टाइम, या आप डे में चेंजिंग करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। देखिए आवरली दिया गया है, डेज दिया गया है, मैंने वन डे कर दिया है, लेकिन नीचे एक ऑप्शन है चेंज वॉलपेपर ऑन लॉक स्क्रीन अनलॉक, लॉक स्क्रीन अनलॉक। देखिए जब भी आप लॉक करोगे फोन को, फिर अनलॉक करोगे तो ऑटोमेटिकली चेंजिंग हो जाएगा। ओके, ये एल्बम में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से फोटो जो है वॉलपेपर, वो ऑटोमेटिकली होगा। देखिए यहाँ पे हमने ऐड फोल्डर पे क्लिक किया है, और ये फोल्डर को मैं ले लूँगा वो जी क्यू वाला, बैक पे क्लिक करूँगा तो स्कैन करेगा, ये स्कैन हो चुका है। फिर बैक आ जाएंगे, आपको ये डिफ़ॉल्ट रखना है, डिफ़ॉल्ट एल्बम। देखिए ये सब आ चुके हैं फोटो। ओके, ये ऊपर जो दिया गया है यू शुड इनेबल द ऐप वॉलपेपर लाइव वॉलपेपर, इस पर क्लिक करना है खाली, जो ऑरेंज कलर का पट्टा आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। ये क्लिक किया, फिर यहाँ सेट वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे नीचे, ये सेट हो चुका है। ओके, देखिए अब स्क्रीन को मैं ऑफ करूँगा, लॉक कर दूंगा, फिर ऑन करूँगा, देखिए वॉलपेपर चेंजिंग हो चुका है। हर बार जब भी आप ऑन करके ऑफ करके ऑन करोगे तो ये वॉलपेपर चेंजिंग हो जाएगा। ओके, तो अगले ऐप्स में आगे बढ़ते हैं, ये नोगट लॉन्चर, ये बहुत ही अच्छा है, ये आपका जो फ़ोन है ये नोगट जैसा एकदम सेम टू सेम लगेगा। इसको यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो, पहले के जो पुराने आइकॉन हैं या नए फ्रेश आइकॉन आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए एकदम चेंजिंग हो गया पूरा, ये किटकैट का वर्जन था मेरा फ़ोन, अभी नोगट जैसा आपको पूरा फील होगा, पूरा डिस्प्ले नोगट जैसा ही बताएगा। देखिए ये मेनू भी चेंजिंग हो चुका है, यहाँ पे नीचे थोड़े ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपके फ़ोन को बूस्ट करना है, यहाँ सेटिंग करना है, आपको कस्टमाइज करना है, डेस्कटॉप में, ड्राइवर में, आईफोन चेंजिंग करना है, तो यहाँ पे थीम भी मिल जाएगा आपको ऑनलाइन में, इंस्टॉल जो है वो भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ थीम्स दिए गए हैं, यहाँ बूस्टर पे क्लिक करेंगे तो रैम थोड़ा खाली हो जाएगा। ओके, तो बैक कर लेते हैं फिर से जो पुराना लॉन्चर है, उसके बाद अगले ऐप से मैं आगे बढ़ते हैं, ये देखिए चौथा स्टडी म्यूजिक, ये बहुत ही अच्छा ऐप से एक बार डाउनलोड करने के बाद ये ऑफलाइन काम करता है।
अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, रीडिंग करना चाहते हो, या किसी सॉल्व या कुछ चीज़ सोच रहे हो, तो उस हिसाब से आपको ये म्यूज़िक सुनाई देगा। इसमें से म्यूज़िक होगा, ये ऑफलाइन काम करता है आपका एक बार डाउनलोड करने के बाद। देखिए इस पे कौन करोगे तो ये एकदम जोरदार, एकदम नेचुरल माइंड फ्रेश म्यूज़िक आपको सुनाई देगा। यहाँ पे बर्ड्स का आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, या यहाँ पे रेन का ऑप्शन दिया गया है वो चूज़ कर सकते हो, ये वाइब्रेटर जैसा है कुछ बेस। देखिए ये फोकस का ऑप्शन है, दूसरा यहाँ पे थिंक, सॉल्व, इमेजिन, अलग अलग सब दिए गए हैं, क्लिक करते ही ऑन हो जाएगा। ओके ये फ्री ऐप से, तो लिंक आपको सब जो भी ऐप से वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चौथा है GIF टू सेव, ये बहुत ही अच्छा ऐप से आप यहाँ पे बहुत सारे आपको GIF जो फोटो है वो मिल जाएगा, एनिमेशन, वो आप किसी भी ईमेल में, व्हाट्सएप में, हाइक में आप शेयर कर सकते हो बड़ी आसानी से, फ्री ऑफ चार्जेस, फ्री ऐप है, आपको ये भी प्ले स्टोर में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन पे आपको भी मिल जाएगा। ओके बहुत सारे दिए गए हैं आपको, देखिए ये ऐड है, इस पे शेयर कर देंगे यहाँ पे, जैसे मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे टिक कर दिया। देखिए इस तरह से आप शेयर कर सकते हो किसी भी GIF फोटो को। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चैट लॉक, ये बहुत ही अच्छा ऐप से आप अपने व्हाट्सएप को या मैसेज को लॉक करने के लिए। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको ऑन करना है, मैंने पासवर्ड चूज़ कर लिया, यहाँ पे व्हाट्सएप पे ऑन कर देंगे। वही ऐप्स को कोई डिलीट भी नहीं कर सकता, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ ऑटोमेटिक टाइम दिया गया है कब तक आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद या इमीडिएटली आप जैसे ही ऐप्स के बाहर निकलोगे तो लॉक हो जाएगा। देखिए अब प्रिवेंट अनइंस्टॉल भी नहीं होगा, गूगल भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करना है और नीचे आंसर आपको देना है, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो जो आपको याद रहे। इससे क्या होगा कि जो भी कोई भी अगर आपका जो ऐप से अनइंस्टॉल करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, उसको पासवर्ड देना होगा तो ही काम करेगा। देखिए बाहर आ जाते हैं, फिर इसको अनइंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, देखिए पासवर्ड मांग रहा है। ओके मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी सुझाव जानना हो या किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो में, नए और एक्साइटिंग वीडियो में। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।